और हम तुमको कह देते हैं पागलो, तुम भर भयभीत मत होना, चिंता मत करो, बालाजी का दरबार और बालाजी का एक नाम है पवन पुत्र, इनको कोई नहीं रोक सकता। क्या नाम है इनका, क्या नाम है? क्या हनुमान जी को कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता है। दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो। बहुत कोशिश की कि बागेश्वर वाले महाराज जी महाराष्ट्र ना आवे। अब हम फिर से मुंबई आने वाले हैं, और अब आने क्या, हमारे त्रिपाठी जी परसों उसका भूमि पूजन है थाने में, तो यहीं पर अब हम तुम्हारे ही घर वाले निवासी बन रहे हैं, हम भी मुंबई वाले बन रहे हैं, और जब तक जिएंगे तुम्हारे पास आते रहेंगे। आज तो जिनकी अति भक्ति थी, बहुत भक्ति थी, जिनका बालाजी के प्रति बहुत समर्पण था, उनको बुलाया ही, कल एक एक करके हम व्यवस्था बनवाएंगे, बुलवाएंगे, दो तीन अर्जी के लिए बुलाकर फिर हम सामूहिक अर्जी लगा देंगे। बैठ जाओ, हम सबकी अर्जी लगा देते हैं। एक अर्जी में एक तो जो गुरुजी का चित्र लिए आप आ जाओ, दूसरा बैग टांगे, लाल बैग टांगे, माता जी बच्ची लिए, हाँ आप दोनों आ जाइए। यस, थोड़ा जल्दी आ जाइए। जय सियाराम। हाँ, हम नितिंद को कहेंगे बेटा नीचे चले जाओ, चित्र लिए चार पांच लोग खड़े हैं, कोई प्रसाद लिए खड़ा है, ये जो माताजी पोटली रखी सर पे इनको भी भेज दो, इनको आगे भेज दो, ये जो सिर पर पोटली रखे हैं, हाँ बेटा जरा इनका सहयोग कर देना, कर दो आगे भेज दो। ठीक है, जय श्री राम। ठीक है, अभी वहां बैठा रो, जैसी आज्ञा लगेगी तो हम अर्जी लगवा देंगे। ठीक, यहीं बैठा रहो, सीताराम नाम का जप। सीताराम, बागेश्वर धाम आ रहे हो, जाओ जितने भी यहां विराजमान, जो जो अर्जी लेकर आए, जो जो मनोरथ लेकर आए, जाओ सबकी अर्जी स्वीकार हो जावे। जाओ, तुम्हारे जीवन की जितनी अलाय बलाय है सब भग जावे। यहां भी जो विराजमान विशिष्ट अतिथि के रूप में आप सब जो जो यहां विराजमान हैं, समूचे महाराष्ट्र की मीडिया हमारे सामने है, आपको भी पीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद है, साधुवाद है। आप लोगों के भी पूरे परिवार पर बागेश्वर बालाजी की कृपा बनी रहे, और पूरी मीडिया को भी बहुत बहुत आशीर्वाद और धन्यवाद। और जिन्होंने हमारा विरोध किया उनको भी आशीर्वाद, उनको भी साधुवाद। कल फिर मिलना है कि नहीं, आ रहे हो ना? कल दरबार तो नहीं लगना है, लेकिन जो है सामूहिक अर्जी है, एक हफ्ता रुकाना चाहते यहीं मुंबई में, एक सप्ताह देंगे पक्का, लेकिन धर्म विरोधियों की छुट्टी सोई करवा देंगे। तुम चिंता मत करो, तुम हमारा साथ भर दो, हमारे बालाजी इतने बलवान हैं ठटरी भर जाएगी। अभी जाना नहीं है, मुट्ठी बांध लो सब लोग दोनों हाथों की। वो आए हैं क्या दोनों लोग? आप तो आशीर्वाद ले लो। एक माताजी आई होगी लाल बैग लिए, पीले रंग का कपड़ा पहने, एक बहन जी उनके साथ होगी। बस बस, आप प्रणाम नहीं करेंगे, आप रूप बने ऊपर हो, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, आप तो हनुमान जी हो। जय हो, कैसे हो हनुमान जी? अब हमारे पास तो क्या डाल दें, माला लाओ। अच्छा लड्डू पाओ पहले तो। चलो बेटा ये चित्र हमें दे दो, लाओ। हाँ साजी है, सही है, आओ। जय बजरंगबली, तोड़ दे दुश्मन की नली,
जाओ विराज बने, नहीं नहीं हनुमान जी बने बस बस। अच्छा आज से कृपा हो भाई, ये हमें दे गुरु जी है हमारे, बहुत सुंदर बनाया आपने। चलो दंडवत, काम सफल हो गए, कोई बड़े काम कर पाओ आप। आपके यहाँ सबको बीमारी है, सबको लाभ हो जावे, हैं बालाजी बहुत कृपा करें। चलो आ क्या कहोगे, अरे बाद में कह देना, बहुत आशीर्वाद। ठीक है चलो, बहुत आशीर्वाद। वो माताजी जो सिर पर वो रखी थी पोटली, उनको बुलाओ ना। हाँ अच्छा अच्छा पहुँचा, वहाँ लाओ वहाँ दे। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध ली सबने, जिनके पर्चा नहीं बन पाए उनके लिए हम सामूहिक उपाय कर देते हैं। अब बहुत शोर न मचा, अब सुन लो। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध ली, बालाजी को प्रणाम करो, कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, हे कलयुग के राजा, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, परंतु हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो। सब लोग मौन होकर के हमारे साथ बोलेंगे, ओ बागेश्वराय नमः, ओ बागेश्वराय नमः, ओ बागेश्वराय नमः, ओ हम हनुमते नमः, ओ हम हनुमते नमः, हम हनुमते नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः, सन्यासी देवाय नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः। पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी का दिया हुआ यह ऐसा अचूक और अटूट उपाय है, जिनके पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, अर्जी नहीं लग पाती, वो घर बैठे हुए अथवा दरबार प्रांगण में जो जो बैठकर इस उपाय को करता है, करते हैं, करती है, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करते शनिवार या मंगलवार की बागेश्वर धाम की पेशी करना प्रारंभ कर देते हैं, बिना पर्चा बने ही बागेश्वर बालाजी की कृपा उनके घर पर पहुंच जाती है और काम सफल
हो जाता है और अर्जी स्वीकार हो जाती है। तो अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो मन ही मन अपने प्रश्न को 3 बार श्री बागेश्वर बालाजी के चरणों में दोहराइए। ओम 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 कहो हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो। मनी मन प्रणाम करके धीरे धीरे अपने नेत्रों को खोलिएगा। दाहिने हाथ की मुट्ठी का सीधा उतारा सिर से 7 बार करिए सभी, बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दीजिए। ऐसा करने से शरीर की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो धीरे धीरे बालाजी के चरणों में बंद जाती है। और बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा कीजिए एंटी क्लॉक में, इसे भी बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दीजिए। दोनों हाथों को मलिए, बोलिए ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। एक बार आंखों में लगाइए और शरीर में आपको जहां पीड़ा है वहां स्पर्श कराइए। दोनों हाथ उठाकर बड़े भाव से बोलिए बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, प्रेतराज सरकार की, बागेश्वर धाम की, सिद्धि विनायक गणेश की, मैया मुंबा देवी की, छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की, भारत हिंदू राष्ट्र की। दो बातें हम बड़ी गंभीरता पूर्वक कहें, सनातन के साथ धर्म है जहां पर पाखंड को थोड़ा सा भी स्थान नहीं है। और मेरे पागलों, तुम बस हम तुमसे अंत में यही प्रार्थना करेंगे, तुम चिंता मत करो, हम ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे जिससे सनातन को नीचा देखना पड़े, लेकिन हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनवा करके छोड़ेंगे। दूसरी बात, एक बात और सुनकर जाओ, अपने अपने घर का एक एक बच्चा राम के लिए जरूर निकालो घर से बाहर। तीसरी बात जो हम तुमसे कहना चाहते हैं, तीसरी बात यह है, जिनको बागेश्वर धाम में पाखंड नजर आता है, जिनको अंधविश्वास नजर आता है कि हम अंधविश्वास में धकेल रहे हैं या हम पाखंड कर रहे हैं, उन मूर्खों को हमारे सामने आना चाहिए, एक एक दाग बता करके हम भेजेंगे उनको, एक एक दाग बता करके भेजेंगे। लेकिन ना तो हमें कोई धन चाहिए, ना हमको कोई चुनौती चाहिए। आपको अगर लगता है कि हमारे पास पाखंड है, आओ सीताराम का जाप करो, अर्जी लगेगी हम बुलाएंगे, तुम्हें खुद पता लग जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। बोलने वाले तो बोलते रहते हाथी चले बाजार, ये बोलने वाले बोलेंगे, लेकिन मुंबई के पागलों, तुम सिर्फ दरबार और चमत्कार के चक्कर में आए हो तो गलती की है। तुम्हारा काम, हम तो लड़ ही रहे हैं धर्म विरोधियों से, अब तुम्हारी बारी है, तुमको भी सनातन के लिए उठना पड़ेगा। और ये हम अपने लिए नहीं बना रहे, हम अपने लिए नहीं चिल्ला रहे, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी के लिए, ताकि तुम्हारे राम के मंदिर पर कोई पत्थर ना फेंके, राम जी के होने का कोई सबूत ना मांगे। पालघर में जैसे संतों के साथ निर्दयता हुई, वैसी लौट करके ना हो। तांत्रिकों के चक्कर में किसी का घर बर्बाद ना हो। और हमें लगता है बागेश्वर बालाजी का दरबार इसीलिए लगता है और लगता रहेगा। और फिर तुमसे कहते हैं, हम एक दिन तुमको किसी ना किसी मोड़ पर जरूर मिलेंगे। और मुंबई वालों, करो भव्य तुम तैयारी, फिर से आएंगे मुगदरधारी। कौन कौन चाहता है बागेश्वर धाम के साथ, कौन कौन है? पक्का? अगर कोई विरोध करेगा तो जवाब कौन कौन देगा? और भारत से उनका छुट्टी कौन कौन करवाएगा जो सनातन का विरोध करवाएगा? पक्का? पक्का?
बाकी तुम संभालो, बाकी हम हैं। अब दोनों हाथ उठाकर बोलो सत्य सनातन धर्म की। और जिनके विवाह ना हुए हो उनसे प्रार्थना है कि ब्याह करो और एक बच्चा राम के लिए दो, राम जी को समर्पित करो, सनातन के लिए समर्पित करो। और क्या बुराई है, क्या गलती है, होना भी चाहिए, बाकी तुम चिंता मत करो, हम अकेले काफी है। और धर्म विरोधियों की ठटरी बढ़ती रहेगी। इन बहन जी को ऊपर भेजना है, इनको हमने बुलाया है, ये जो है ना, इनको हमने बुलाया। और फिर कल आएंगे, कल भभूति का वितरण होगा, कल दरबार नहीं लगेगा। जिनको भी हमारे दरबार से दिक्कत हो बागेश्वर धाम आ जाए, यहाँ का दरबार तो पूरा हो गया, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बोलो सीताराम। और अब हमें अच्छा एक बात बताओ, अब हमें इन जो दो प्रकार के दो कौड़ी के लोग मुंह चलाते, इनका जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ठटरी बारना चाहिए? तो वो भर बारेंगे, अब इनके मुंह नहीं लगना चाहिए, है ना, अब इनके मुंह नहीं लगेंगे, वरना हम अपने काम में बहुत ज्यादा देर कर देते हैं। इनका अपना काम है, हमारा अपना काम है, हम करते रहेंगे। और मुंबई के पागलों, सितारों को आंखों में महफूज रखना, क्योंकि बहुत देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, बालाजी ने चाहा तो इसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, राम।